हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान की कैपिटल मस्कत में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रियल मस्कत, यानी कि ओल्ड मस्कत। अभी तक आपने जो मेरे वीडियो देखे उसमें मैंने आपको दिखाया था मथुरा कॉर्निस, मथुरा सूख, वो सब कुछ आपको दिखाया था। लेकिन रियल में जो ओरिजिनल मस्कत है, जो पुराना मस्कत जिसे कहते हैं, वो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो सब कुछ मैं आज के वीडियो में दिखाऊंगा। वहाँ पर म्यूजियम है, वहाँ पर पैलेस है, तो वो सब कुछ आज के वीडियो में। ये यहाँ का बस स्टॉप है और चलिए बस ही आ गई है अभी। अस्सलाम वालेकुम रोई। फ्रेंड्स, हमने टिकट ले लिए। पहले हम यहाँ से जाएंगे रूई, क्योंकि रूई का किराया हमको बस में पड़ा है 300 पैसा। और मस्कत का ये चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, ये यहाँ की लोकल बस है। तो ये बस पहले हमको रूई लेके जाएगी और रूई से फिर हम जाएंगे ओल्ड मस्कत। ये है सब ओमान स्टाइल में बने हुए घर सभी। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं रूई। रूई के बस स्टैंड में बैठा हूँ। ये मावा सलार का बस स्टैंड है, आपको बस दिखा रहा हूँ। तो ये बस में हम लोग आए थे और इसका नाम है मावा सलार। तो ये मस्कत का चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आप सस्ते में घूमना चाहते हैं मस्कत में, तो आप ये बस का यूज़ कर सकते हैं। और मुझे वादी कबीर से रूई का जो किराया लगा है वो लगा है 300 पैसा, 300 पैसा यानी कि 7 रुपये के करीब। तो वहाँ पर ये पूरा रूई का एरिया है और रूई की मार्केट वहाँ से सामने से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये सभी यहाँ की टैक्सी है, जो कि अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप बस में नहीं जाना चाहते हैं, टैक्सी लेके जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा भाव ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो आपको अच्छी तरह से सस्ते में ये लोग लेके जा सकते हैं। तो ये है यहाँ का मावा सलाट का ऑफिस। तो चलिए पूछते हैं कौन सा नंबर की बस ओल्ड मस्कत जाती है। तो हमने अंदर इंक्वायरी की, 4 नंबर की जो बस है जो मथुरा जाती है वही बस आपको ओल्ड मस्कत छोड़ेगी। तो चलिए अभी बस में बैठते हैं। 4 नंबर का बस यहाँ पर लग चुका है, आप देख सकते हैं, ये 4 नंबर की बस है। तो अंदर बैठते हैं, चलिए। तो
वाला है मथुरा कॉर्निस वाला रोड और ये है सुल्तान काबूस स्पॉट। इसके अंदर आते ही अपना ओल्ड मस्कत शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं ओल्ड मस्कत में। ये मस्कत का ओल्ड एरिया है जिसे कह सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है पूरा। और मेरे इस तरफ है नेशनल म्यूजियम जो कि हम अंदर जाएंगे और क्या टिकट है क्या है वो सब कुछ आपको आगे के दिखाएंगे। ये पूरा मेन स्क्वायर है ओल्ड मस्कत का। और ये है यहाँ पर नेशनल म्यूजियम और आपको यहाँ पर दूर से ही आपको दिखाता हूँ अल आलम पैलेस जो कि इस तरफ है, वहाँ पर हम बाद में जाएंगे, पहले म्यूजियम देख के आते हैं। चलिए तो ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ ओमान जो कि ओल्ड मस्कत में आया हुआ है। तो वहाँ पर है सामने पैलेस अल आलम पैलेस, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे बाद में, पहले हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर। मैं आपको यहाँ का टिकट का प्राइस क्या है वो दिखा देता हूँ और इसके टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके ओपनिंग आवर्स है सैटरडे टू थर्सडे 10 बजे से 5 बजे तक शाम को, और अगर फ्राइडे है तो दोपहर के 2 बजे खुलेगा और 6 बजे बंद होगा। तो ये इसके कुछ टाइमिंग है और ये इसके कुछ चार्जेस है। तो यहाँ के सिटीजन्स हैं आप तो 1 रियाल टिकट है, रेसिडेंसी यहाँ का आपको कार्ड है तो 2 रियाल, और अगर आप टूरिस्ट है फॉरेनर है तो 5 रियाल। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ तो मेरे पास यहाँ का रेसिडेंसी कार्ड है, तो मुझे ये म्यूज़ियम की टिकट पड़ी है 2 रियाल यानी कि 400 रुपये के करीब। अगर आप सिर्फ यहाँ पर घूमने आते हैं और आपके पास रेसिडेंसी कार्ड नहीं है तो 5 रियाल टिकट लगेगी, यानी कि समझ लीजिए कि 1000 रुपये के करीब मुझे 2 रियाल लगा है, क्योंकि मेरे पास ये कार्ड है रेसिडेंसी कार्ड, आपको दिखाता हूँ मेरा। तो मेरे पास ये मेरा रेसिडेंसी कार्ड है तो इसीलिए मुझे ये टिकट पड़ी है सिर्फ 2 रियाल। तो फ्रेंड्स अभी हम अंदर आ चुके हैं मस्कत म्यूजियम में, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने टिकट ली,
यहाँ पर ये एक छोटा सा पूरा मॉडल बनाया हुआ है नेशनल म्यूज़ियम का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑफ ओमान। और ये यहाँ पर बड़े बड़े दरवाजे रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप ये जो दरवाज़ा देख रहे हो बड़ा लकड़े का, ये दरवाज़ा पहले पुराने ज़माने में ये मस्कत के जो ओल्ड पैलेस है उसका गेट है, जो मैंने आपको दिखाया पैलेस ये उसका गेट है। इधर इसका इंफॉर्मेशन है, गेट ऑफ ओल्ड बिल्ट एट आलम पैलेस। ये पुरानी लक्कड़ के सब बने हुए बालकनी। तो ये है यहाँ के पुराने कॉफी पॉट। नंबर वन वाला है अरेबियन, ये अरेबियन कॉफी पॉट है और अलग अलग तरह के हैं। जांजीबार का 3 नंबर का है, तो 3 नंबर वाला ये वाला ये जांजीबार का है। तो यहाँ पर सब कॉफी पॉट और इस तरफ है ये टी पॉट, आप देख सकते हैं टी पॉट्स ऐसे पुराने जमाने के रखे हुए हैं। ओह वाव, ये देखिए ये बहुत बड़ा यहाँ पर जहाज बनाया हुआ है। जो पुराने जमाने के जहाज होते हैं ना, इसका नाम है ये बदन सैयद। ये देखिए कितना बड़ा जहाज रखा है इधर। और यहाँ पर कई सारे मॉडल है। तो ये पूरा एक जहाज का पूरा म्यूजियम बनाया गया है इस तरफ, और यहाँ पर आप इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। ये सब इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं। तो ये सब जहाज के नाम है। चलिए इसमें क्लिक करते हैं, क्या आता है देखते हैं। अच्छा, ये पूरा जहाज का मॉडल दिखाया गया है और यहाँ पर इसका वीडियो भी दिखाया गया है। इसमें ये मटेरियल कौन सा यूज़ होता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आती है, सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन है।
इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पर सिप का सब मॉडल का गैलरी। चलिए अभी आके देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। तो अभी हम आए इस तरफ, यहाँ पर सब जितने ओमान के फोर्ट हैं उसके मॉडल रखे हुए हैं, जितने भी फोर्ट हैं ओमान में उसके। तो चलिए आपको एक एक करके सब मॉडल दिखाते हैं ओमान में कहाँ कहाँ फोर्ट आए हुए हैं। तो इस फोर्ट का नाम है बहला फोर्ट। तो ये बहला फोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, इसका मॉडल बनाया हुआ है पूरा। वाला फोर्ट है सोहार फोर्ट। तो सोहार फोर्ट इस तरफ है, यहाँ पर मस्कत है और सोहार फोर्ट यहाँ पर है, इसका ये मॉडल है। ये है पूरा मस्कत का एक मॉडल, ये पूरा मस्कत का मॉडल बनाया हुआ है। और पुराना मस्कत कैसा दिखता है, यहाँ पर इसके फोटोग्राफ वगैरह आते हैं। पहले ऐसा कुछ दिखता था पूरा मस्कत। तो इस तरह का सब फोर्ट के मॉडल, और अभी तो मैंने आपको सब इसके मॉडल दिखाए, लेकिन हम सोहार जाएंगे, रिचुआ जाएंगे, तब यही फोर्ट मैं आपको उधर दिखाऊंगा कि ओरिजिनल में कैसे दिखते हैं। अभी इस तरफ ये कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पर आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर सब कुछ देख के ऊपर आए हैं। अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ मैं, और यहाँ से नीचे से पूरा सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया। और आप चाहें तो लिफ्ट भी लगी हुई है, अगर आप चाहें तो लिफ्ट में भी आ सकते हैं, लिफ्ट भी इधर है। चलिए अभी फर्स्ट फ्लोर पे क्या है वो देखते हैं।